आई को अलग अलग आईज के लिए, दोनों आईज के लिए अलग अलग कॉटन स्वैप का यूज करना चाहिए।
डालना चाहिए, ठीक है। और आईएफ को डेली चेक करना चाहिए, किसी भी प्रकार की सिचुएशन है तो उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में केयर ऑफ कोर्ड, तो केयर ऑफ कोर्ड डिलीवरी बेबी की डिलीवरी के बाद में अम्लाई का कोर्ड क्लैंप कर देनी चाहिए उसे बेबी के एब्डोमेन से 5 सेंटीमीटर दूर से कट करना चाहिए। अम्लाइकल कोर्ड क्लैंप को रिमूव करने से पहले कोर्ड को स्टेराइल लाइगेशन से लाइगेट कर देना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी कुछ हावर्स के बाद में कोर्ड से कोर्ड डिसलोज हो जाता है, कुछ घंटे बाद में डिसलोज हो जाता है और कोर्ड से ब्लीडिंग होने लग जाती है कई बार, ठीक है। तो उसको हमको देखना चाहिए कि वो कोर्ड क्लैंप है वो डिसलोज ना हो, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम एक या दो कोर्ड क्लैंप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ड की ब्लीडिंग को 24 आवर्स में चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। और जो कोर्ड की स्टैम्प होती है उसमें जो कोर्ड होती है बेबी की उसमें तीन वेसल्स होती है, एक वेन होती है, 2 आर्टरी होती हैं, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। बर्थ के 7 to 10 डेज के बाद में अम्लाइकल कोर्ड स्टैम्प ड्राई होकर अपने आप ड्राई डेंगी उसमें हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप निकल जाता है। उसके बाद में अम्लाइकल कोर्ड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री भी हो सकती है अम्लाइकल कोर्ड में, ठीक है। तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा मीडियम हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें स्प्रिट से डेली बेस से टॉप जो होता है उसका उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के डिस्चार्ज, रेडनेस, इन्फ्लामेशन है तो उसको डेली ऑब्जर्व करना चाहिए। कोर्ड की कंप्लीट केयर नियोनेट के डिस्चार्ज होने पर पेरेंट्स को एक्सप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का चेंज होने से डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में केयर ऑफ स्किन, तो केयर ऑफ स्किन में क्या होता है कि नियोनेट की स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि सिंटेलो वाटर डायरेक्शन में स्किन को क्लीन करना चाहिए बेबी को। तो सबसे पहले बेबी का फेस को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद में स्कार्फ को केयरफुली वाइप करके क्विकली ड्राई करना चाहिए स्कार्फ को। उसके बाद में हैंड और फेस को क्लीन करने के बाद में होल बॉडी क्लीन की जानी चाहिए। और जब होल बॉडी क्लीन करते हैं, बाकी की बॉडी क्लीन करते हैं, उस समय हेड को ढककर रखना चाहिए, ठीक है। और जब फेस और हेड क्लीन कर रहे हैं उस समय बॉडी को ढक के रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बॉडी को वॉश करना चाहिए। नियोनेट की स्किन सेंसिटिव होती है, इसके लिए उसे धीरे धीरे रबिंग करनी चाहिए। ज़्यादा स्किन फोल्ड वाले जो एरियाज होते हैं जैसे नेक, एक्जिला, ग्रोइन, ठीक है, ये सब जो होते हैं जॉइंट्स, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि इस पर स्पेसिफिक अटेंशन देना चाहिए, उसको अच्छे से क्लीन करनी चाहिए। उसके बाद में केयर ऑफ जनेटालिया, केयर ऑफ जनेटालिया में मेल और फीमेल यूनिट की जनेटालिया में जनेटल क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। वल्वर को फ्रंट टू बैक डायरेक्शन में क्लीन करना चाहिए, फीमेल साइड में वल्वर क्लीनिंग में फ्रंट टू बैक क्लीनिंग होनी चाहिए। और मेल यूनिट में ग्लांस पेनिस के पास से स्मेग्मा रिमूव करके क्लीन करना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स को जनेटल क्लीनिंग के बारे में भी उनको बतानी चाहिए, अगर उनको नीड है तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। बटक्स और एनल रीजन को किसी भी प्रकार के फिकल मैटर की प्रेजेंस है तो उसको साफ करना चाहिए, वहाँ पर अगर फिकल मैटर लगा हुआ है तो उसको साफ करना चाहिए, ठीक है। और जब भी डायपर चेंज करें तो एरिया को प्रॉपर वॉश करना चाहिए, तो ये सब हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। न्यूनेट्स के नेल थिन होते हैं तो उनको छोटा रखना चाहिए, ठीक है, ताकि फेस और एनल एरियाज में स्ट्रेचिंग ना हो, ठीक है, स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये हमने देखा इमीडिएट केयर ऑफ न्यूनॉर्म। उसके बाद में हम देखेंगे इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूनॉर्म।
इन्फेंट बोर्न होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है? एक हेल्दी न्यूबॉर्न की क्या डेफिनेशन होगी? एक हेल्दी न्यूबॉर्न एट टर्म बिटवीन 38 टू 42 वीक शुड हैव एन एवरेज बर्थ वेट फॉर द कंट्री यूजुअली एक्सीड 250-100 ग्राम्स क्राइस इमीडिएटली फॉलो बर्थ एंड एस्टाब्लिश इंडिपेंडेंट रिदमिक रेस्पिरेशन एंड क्विकली अडेप्ट टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। तो हेल्थी इंफेक्ट में क्या मतलब होता है कि जो हेल्थी इंफेक्ट होता है वो टर्म के बीच में बोर्न होना चाहिए, मतलब 38 to 42 वीक के बीच में टर्म में वो डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। और उसका एवरेज बर्थ वेट है वो कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो इंडिया में 2500 से ऊपर हाँ बेबी का बर्थ वेट होना चाहिए, ठीक है। और बर्थ के इमीडिएट बाद में वो क्राई करे, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली वो रिदमिक रेस्पिरेशन को एस्टेब्लिश करे, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो चेंज हुआ है इन्वायरमेंट, उसमें वो क्विकली अडोप्ट करे, ठीक है। तो ये होता है हेल्दी इन्फेंट। उसके बाद में इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न में हम क्या क्या देखते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ वाइटल साइंस, सबसे पहले वाइटल साइंस देखेंगे हम। तो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे आउटसाइड, क्या होगा टेम्परेचर की रिकॉर्ड करने की रेक्टल ओरल या एक्सिला से हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और रेस्पिरेशन नॉर्मल 30 to 60 बीट पर मिनट होनी चाहिए, और पल्स जो होती है वो नॉर्मली 100 to 160 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो होता है बेबी का वो नॉर्मल 45 to 60 by 25 to 40 mm of Hg होता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 45 to 60 और डायस्टोलिक होता है वो 25 to 40 mm of Hg होना चाहिए। बीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट, ठीक है। उसके बाद में जनरल एग्जामिनेशन, तो जनरल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? स्किन कलर देखते हैं। तो स्किन कलर में क्या देखते हैं? सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किन कलर होता है वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कार्डियोवास्कुलर कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शन का, ठीक है। तो अगर पेलर है बच्चा, अगर पेलर है तो उसमें हो सकता है एनीमिया की कंडीशन हो, बर्थ एसफिक्सिया हो या फिर शॉक हो। साइनोसिस देखना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस लो ऑक्सीजन सेचुरेशन का साइन होता है, पेरिफेरल साइनोसिस होता है वो किसी ड्रग्स के कारण हो सकता है, ठीक है। तो और जो जॉन्डिस हो सकता है, तो बिलरुबिन लेस देन 5 mg हो तो बिलरुबिन की कंडीशन हो सकती है। एक्सेसिव ब्रूजिंग अगर हो तो मे बी ड्यू टू डिफिकल्टी ट्रोमा डिलीवरी, ठीक है। ट्रोमेटिक डिलीवरी में ब्रूसिस हो सकता है। उसके बाद में स्किन रैशेस, स्किन रैशेस में मीलिया हम देखते हैं। तो मीलिया जो होती है वो नोज चिक और फोर हेड पे यूजुअली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये मीलिया क्या होती है? ड्यू टू बल्जिंग ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है। बल्जिंग ऑफ स्वीट ग्लैंड्स के कारण मीलिया प्रेजेंट होती है बच्चे में, ठीक है। मंगोलियन स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। ये फिर ये क्या होते हैं? ब्लू कलर के स्पॉट्स होते हैं जो कि बैक बटक्स या फिर थाई पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये फोर इयर्स ऑफ एज पे ये अपने आप डिसअपीयर सिंह हो जाते हैं मंगोलियन स्पॉट्स, ठीक है। उसके बाद में एरिथमोटॉक्सिकम, तो एरिथमोटॉक्सिकम क्या होते हैं? पेपुलर लीजन्स होते हैं जो कि अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हेड का एग्जामिनेशन करेंगे तो फोंटेनल्स देखेंगे। अगर लार्ज फोंटेनल्स है तो हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट कर सकता है वो, ठीक है। और अगर बल्जिंग फोंटेनल है तो वो इंक्रीज इंट्राग्रेनियल प्रेशर को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। और अगर डिप्रेस फोंटेनल है तो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट कर सकता है, और अगर स्मॉल फोंटेनल है तो हाइपरथायरॉयडिज्म को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक्यूट सिकल हेमेटोमा, तो ये अगर ऐसी कंडीशन है तो ये भी हम देखें
एक्सिस को अपवार्ड ये दूंगा, ठीक है, ये सब दूंगा। और उसके बाद में नेक का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो नेक में उसकी मूवमेंट चेक करेंगे, गोइटर चेक करेंगे, ठीक है, स्टर्नो मस्कुलर हेमेटोमा चेक करेंगे, और शॉर्ट नेक टर्नर सिंड्रोम है तो शॉर्ट नेक हो सकती है, तो ये सब चेक करेंगे। उसके बाद में फेस एंड माउथ, फेस एंड माउथ में क्या क्या हम देखते हैं, फेस इज लुक फॉर हाइपर टेलोरिज्म, ठीक है, हाइपर टेलोरिज्म मतलब आईज वाइडली सेपरेटेड होगी, ठीक है, वाइड आईज के बीच में बहुत गैप होगा, तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है, और लो सेट ईयर्स हो सकते हैं, जैसे ट्राइसोमी 9, 18, ट्रिप्लोइडी, इन सब में लो सेट ईयर्स हो सकते हैं, फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है, ठीक है, तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो नॉर्मली देखी जा सकती है। आईज का एग्जामिनेशन करेंगे फॉर कंजेनाइटल कैटरेक्ट, ठीक है, और सब कंजेनाइटल हेमरेज, ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद में चेस्ट को एग्जामिनेशन करेंगे, तो चेस्ट एसिमेट्रिकल हो सकती है, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स के कारण चेस्ट एसिमेट्रिकल हो सकती है, टेकिपनिया हो सकती है, ग्रंटिंग हो सकती है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण, ठीक है, और ये सब चेस्ट में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हार्ट का एग्जामिनेशन करेंगे, तो नॉर्मल हार्ट बीट 120 to 160 बीट पर मिनट होती है, ठीक है, रिदम क्वालिटी ऑफ हार्ट साउंड और या फिर प्रेजेंट ऑफ एनी मर्मर प्रेजेंट है तो वो देखेंगे, ठीक है, और तो अगर मर्मर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम बच्चे में चेस्ट एक्सरे करवा के हम फर्दर असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे, तो एब्डोमिनल में अगर कोई डिफिकल्टी है, एम्फेलोसील है, हिपेटोमेगेली है, स्प्लेनोमेगेली है, ठीक है, तो जैसे रूबेला इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है ना, तो ये ऐसी कंडीशन है, या फिर अगर कोई मास वगैरह है तो वो सब हम देखेंगे। अम्बलाइकस चेक करेंगे, तो अम्बलाइकस में तो डिस्चार्ज है, रेड है, इन्फेक्शन है तो वो देखेंगे, ग्रीनिश येलो कलर के अगर अम्बलाइकल बोर्ड है तो वो म्यूकोनियम एस्पिरेशन, म्यूकोनियम स्टेनिंग, फीटल डिस्ट्रेस को वो इंडिकेट करेगा, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद में जेनिटालिया देखेंगे, ठीक है, तो जेनिटालिया भी केयरफुली एग्जामिनेशन करेंगे बिफोर जेंडर असाइनमेंट, ठीक है, तो मेल होगा उसका एग्जामिन पेनिस एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, और फीमेल होगा उसमें क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट या फिर फ्यूज लेबिया या क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट, अल्टर हाइपरप्लेसिया, ठीक है, ब्लड स्टेंट, वेजाइनल डिस्चार्ज, तो ये सब हम जेनिटल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, ठीक है। एनल या रेक्टल एग्जामिनेशन, तो एनल या रेक्टल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, कोई इम्परफोरेशन है उसकी जो पोजिशन है वो चेंज है, ठीक है, म्यूकोनियम शुड बी, तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है, और बच्चे में म्यूकोनियम शुड बी पास विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर म्यूकोनियम पास करना चाहिए बच्चे को, ठीक है। और एक्सट्रीमिटी स्पाइन एंड जॉइंट्स को देखेंगे, तो इसमें क्या एग्जामिन करेंगे, फॉर सिंगल क्लाइटिंग मतलब फ्यूजन ऑफ डिजिट्स होता है वो देखेंगे, ठीक है, और या फिर टेलीपसिकुलोवेलस हिप डिसलोकेशन, ये सब अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो वो हम असेस करेंगे। नर्वस सिस्टम का नॉर्मली अगर इरिटेबल है नर्वस सिस्टम, एग्जामिन फॉर एनी इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल मसल टोन, रिफ्लेक्सेस, ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। पैरालिसिस है, न्यूरोलॉजिकल डिपेंडेंट, जेस्टेशनल एज, ठीक है, और उसके बाद में हेड सर्कमफेरेंस,